अनमोल भाई के स्टाइल में इंट्रो देते हैं, ठीक है। तो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, हम जा रहे हैं यार। आज का प्लान थोड़ा अलग है। वैसे मेरा एक ना मेन सीन ये था कि एक बार गाड़ियों का शूट निपटा लूँ ना, फिर हमें थोड़ा बस्ती वगैरह करें, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। आज हम तुम्हें बोटिंग दिखाएंगे, ठीक है। और भाई प्राइवेट बोट है ना, प्राइवेट जेट बोल सकते हैं, बोट भी क्या, प्राइवेट जेट क्या होता है वो, क्या बोलते हैं वो, अमीर लोगों का है यार, क्या बोलते हैं, प्राइवेट लेक, प्राइवेट लेक अपना ही है। और बोट है ना, बोट ही है ना वो, तो स्पीड बोट, हाँ इनप्रिसाइज स्पीड बोट है वो। उधर थोड़ा फन करेंगे, फिर अपनी यार पजेरो का शूट भी बच रहा है तो वो भी करना है अपने को यार, है ना। तुम जानते हो जो शूट पिछले दिन रह गए थे वो करना जरूरी है ना यार। लेकिन चलो तुम्हें स्टार्टिंग में पहले फन दिखाते हैं, ठीक है। अरे तेरी, मैं दिखाता हूँ कौन सी स्कूटी में। भाई मैंने ना एथर के सीईओ का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, ठीक है, तो उसमें उसने काफ़ी बताया था अपनी स्कूटी के बारे में। तो मैंने एक चीज़ तो देखी कि हाँ देखो साउथ में ये स्कूटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन तुम देख रहे हो इसमें मोड्स देखो अभी। अच्छा अभी स्पोर्ट लगा दी तुमने, हाँ, इसके ऊपर वार्प मोड, मेन रोड पे जाती जरा डब्ल्यू दिखाना है मैटर लोगों को। तुम देखो स्पोर्ट्स में भी कितना तगड़ा पुल है इसका यार भाई। ये कुछ अपनी शाहपुरी गलियाँ हैं, तुम देख सकते हो बेहतरीन। एंड ये तो जीवन है गाइस, है ना, आज नागपुर कल मुंबई। अभी हो गया वार्प मोड, ये और स्पीड वाला मोड है। आवाज़ थोड़ी सी तुम्हें नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन ओहो भागती है भाई स्कूटी ना। मेरी भी ना लाइफ की सबसे पहली स्कूटी थी वो इलेक्ट्रिक ही थी, ऑप्टिमा प्लस, मेरे स्कूल के आगे से उड़ गई थी। छोड़ तो मिल नहीं मिल पाया आज तक, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिक छोड़ के हमने फिर पेट्रोल डी ओ ले ली। बढ़िया लग रहा है भैया, बीएमडब्ल्यू आपका स्टीयरिंग। कौन सी गाड़ी है ये? डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है बिल्कुल। ये देखो भाई आज हम ऐसी हिडन लोकेशन पे आए, एंड ये जीप ट्रायंगल अपने साथ देख रहे हो, बेहतरीन मॉडिफाइड NBM भी है। पर भाई ये जो तुम्हें पूरा लेक दिख रहा है ना, नितिन भाई की रैंगलर है, उन्हीं का है, समझ रहे हो, प्राइवेट लेक है ये। एंड हम स्पीड बोट में सफर करने वाले, तो ये अपने जिगर भाई हैं, ठीक है। हेलो जिगर भाई, नॉर्मल पेट्रोल लेके आए स्पीड बोट के लिए, है ना, नॉर्मल पेट्रोल। एक बार ज़रा बता दो, ठीक है, कि ये जो पूरा हम देख रहे हैं प्राइवेट लेक, ये आपका अपना ही है? प्राइवेट नहीं है पर अच्छा बोल सकते हैं, अनटच्ड है। क्या होता है मतलब, जमीन के ही रेट लगते हैं इसमें? ये मतलब एक्सेस है, जमीन पास में है लेक से, तो वी कैन एक्सेस विद द बोट। दिस इज अ डैम है एक, ओके, तो लैंड अपनी है एंड वी कैन एक्सेस दिस, द फिशरमैन्स को अलाउड है, वो वहां बोटिंग भी कर रहे हैं, आप दिखा सकते हो। ओके ये देख लो कैसे रैंगर को पूरा टेढ़ा कर दिया है, तो उसे भाई की फोटो निकलेगी बढ़िया। भाई फोटो के लिए, हाँ सभी भाई फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कर लेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो ये मेन थ्रॉटल बॉडी है इसकी। अच्छा थ्रॉटल बॉडी नहीं है, थ्रॉटल है भाई, थ्रॉटल है, थ्रॉटल की बॉडी है, कंट्रोल है, देखो वहां से डाउन हो रहा है नीचे। ओके इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो ये ना ठीक है ऊपर, अरे पता है उड़ती है अपना नॉर्मल गाड़ी में रहता है, इससे इग्निशन, ठीक है इग्निशन दिया हमने, RPM मतलब जो स्पीडोमीटर रहेगा अपना। अरे ये सच में BMW है? ये मैंने टायर का निकाला हुआ है। अच्छा अरे दिस इज अ मर्क्यूरी इंजन, इंपोर्टेड फ्रॉम द US, हैदराबाद। ये 40 HP है, सो अराउंड 800 CC हो गया ना 40 HP। आपने बोल दिया मुझे, मैं तो चलाऊंगा, मुझे लग रहा है आप इतना श्योर है, फ्रिक्शन कम है ना पानी में भाई, पीछे देखो। अरे वाह भाई, शार्प टर्न मत देना बस, मेरी बच जाएगी। अरे भाई यार बड़ी गाड़ी,
ये पलट सकती है, पलट सकती है, पर ये इंजन अभी स्मार्ट हो गया है, जैसे अपना ESC होता है वैसा इसमें रहता है। अच्छा मतलब ये पलट के देगा, टर्न करेंगे इंजन तो थोड़ा अपने आप करेक्शन कर देगा, करेक्शन कर देगा। अरे फोन आ गया मेरे को, लगा इसकी मैं तो रात में दिखाने के लिए वी हैव टू कम देयर। बिल्कुल ये ट्रेस करने का तरीका है, ठीक है कि बोर्ड पे ना लाइट है ना कुछ, और तुम रात को घूमन दे रहा तो मिलेगा यहाँ पे। सही यार, भाई बोटिंग करने के बाद ना हम यहाँ पे खाने पीने आ गए हैं, ठीक है। उस तरफ ना पूरी स्क्रीनिंग है, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। इंडिया सही पोजीशन में, थोड़ा सही लग रहा है भाई, न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है ना भाई। ये चश्मे का जरा बताओ यार, ये चश्मा तो आपने लिया है, पहले तो पहन लो इसे। हाँ पहले पहन लो, आपकी नंगी आके शूट करने लायक हो नहीं रही है भाई। ये चश्मा ऐसा खास क्यों है? 3000 रुपये का चश्मा ये है ना, कंपनी का है मानता हूँ, पर आपने जो मुझे इसका फीचर बताया। मैं एक टाइम था तब ना डोरेमोन गैजेट्स की एक वीडियो बनाता था, उसमें 150 रुपये चश्मा आता था जिसमें यहीं से ना कान में लगने वाले प्लग्स होते थे, सस्ती क्वालिटी उसमें आते थे। हाँ मुझे पता नहीं था कि कंपनी किसने निकाला ये, फास्ट ट्रैक का चश्मा है जिसमें स्पीकर लगे हुए हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। एंड भाई जब कोई सॉन्ग चलाओ तुम दिखाते बाहर कितनी आवाज़ आती है, और 3000 का कॉस्ट भी मतलब है ठीक ठाक, फुल वॉल्यूम है अभी। हाँ मेरे को एकदम क्लियर आ रही है। तो ये ले रहे हो कैसे सूझ आपको, क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त? ऐसी कभी अपन पहनते हैं तो फैंसी चीज़ है। हाँ। यूज़ करने के लिए, ऊपर से अपने गाने सुनते हुए बढ़िया, गाने सुनते हुए किसी से बात करना है तो बात भी कर सकते हैं। अरे समझ लो, कॉलिंग वाला भी मैटर है इसमें, आवाज़ आती है अगले को बढ़िया। हाँ क्लियर है, क्लियर। अभी मैं इससे ही बात कर रहा था, आज ही खरीदा है मैंने। सही में? हाँ इसी से बात एकदम क्लियर है। दो माइक है, दोनों साइड माइक है इसके स्पीक के, एंड दोनों साइड स्पीकर भी है। एक भारी कंपनी नहीं है जिसने कैमरा भी निकाल दिया है? कैमरा निकाला है गूगल ने, वो सामने है। हाँ गूगल का है, गूगल का है, रेबन का है, रेबन का भी होगा। हाँ रेबन वाला है, महंगा है ना वो तो, आइडिया नहीं है प्रो। पर वो मेरे ख्याल से केसी नाइटस्टैट ने दिखाया था ना अपनी वीडियो में। हाँ बड़ा सही प्रोडक्ट है वो भी। ये देखो मैंने होटल में ना यहाँ पर मंगा रखा है आलू पराठा और दही भाई साहब। देखो इवन दो मैंने यार वहाँ पे थोड़ा बहुत खा लिया था, पर फिर भी एक होता है ना कि अगर रात में भूख लगी तो सो मैंने खाया था यार आलू पराठा, यार टेस्टी था। मैंने कहा मंगाता हूँ, खाता हूँ मेरे से, एंड तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। सबसे मेन भाई आज जो मैं रूबीकॉन में सफ़र किया ना ट्रैवल, यार लिटरली रूबीकॉन में मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसे याद क्यों नहीं आ रहा कि मतलब मैं कब, मतलब लग रहा है कि बैठा हूँ पर याद भी नहीं कब बैठा हूँ। लेकिन भाई रूबीकॉन जो भागती है यार, मैं थोड़ा दर्द हो गया यहाँ पे, ठीक है थोड़ा पता नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन रूबीकॉन क्या भागती है भाई, क्या गाड़ी है, मतलब मैं बोलूँगा ड्रीम कार है भाई रूबीकॉन ना यार। थार वार भूल जाओ भाई, रूबीकॉन लो, इतना पैसा कमाओ, फुल सपोर्ट भाई, अलग ही गाड़ी रूबीकॉन यार। बाकी आज शूट तो नहीं हो पाया अपना, तुमने प्लान किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ हम कल पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल मेरी फ्लाइट है 3:30 बजे की मुंबई की, तो कोशिश कर रही है कि हाँ उससे पहले अगर शूट करके मैं फिर निकलूँ। दो गाड़ी बच रही थी, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, तो कल कल देखना मुंबई कल निकल रहे हैं फाइनली मुंबई। यार मुंबई में तो प्लान कर रखा है मैंने बेहतरीन, मजा आएगा तुम लोगों को। चलो फाइनली इस व्लॉग में एंड करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब 30 मिनट से आंको भाई डबल लव जो, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबसे मेन चीज, सबसे मेन, कैसी लगी तुम्हें वो कस्टमाइज्ड बोट, स्पीड बोट? हाँ सही थी, मैं बता रहा हूँ अलग ही चीज़ है भाई, ठीक है। आज काफ़ी फन किया, आज थोड़ा सा लैविश जिंदगी दी हमने यार, मज़ा आ गया। चलो तुमसे मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय, साइनिंग आउट।